दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मैक्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स। मनरेगा मजदूर यूनियन ने विकास खंड कार्यालय चौंदड़ा में धरना प्रदर्शन किया व प्रदेश मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी भेजा। मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक संजय जम्वाल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार मनरेगा को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पंचायतों पर जबरन ऑनलाइन हाजिरी का फरमान थोपा गया है, जिससे मनरेगा में न ही मजदूरों की दैनिक हाजिरी लग पा रही है और न ही विकास कार्य हो पा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर विकास को रोकने के लिए मात्र 20 कार्यों को ही करवाने की शर्त भी थोपी गई है। मनरेगा को चलाने के लिए ग्राम पंचायतों में रोजगार सेवक नहीं है, 4 पंचायतों में एक ही नियुक्ति की गई है और न हर पंचायत में तकनीकी सहायक है। समय पर काम और समय पर वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। 212 रुपए की झाड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 212 रुपए की झाड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनरेगा में 350 रुपए की झाड़ी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। मनरेगा में 350 रुपए की झाड़ी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। ऑनलाइन हाजिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये ऑनलाइन हाजिरी के नाम पे श्रमिकों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऑनलाइन हाजिरी के नाम पे ठगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनरेगा के बजट में कटौती करने वाली केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मनरेगा के बजट में कटौती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोल मजदूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल मजदूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मनरेगा विरोधी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मनरेगा विरोधी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कि ये जो मनरेगा को कमजोर करने की लगातार कोशिशें हो रही है, इनको बंद किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से ये ऑनलाइन हाजिरी जो थोपी गई है और इस ऑनलाइन हाजिरी के चलते ये हो रहा है कि मजदूर जो है वो काम करने तो पहुंच रहा है लेकिन उसकी हाजिरी नहीं लग रही है और इस ये संशय बना हुआ है और उसकी जो ऑनलाइन जो कि एबसेंट लग रही है। दूसरी तरफ एक और मस्ट्रोल दिया जा रहा है जो प्रिंट मस्ट्रोल है जो पहले की तरह दिया जा रहा है और उसमें जो है कि वो हाजिर जो लेबर है वो प्रेजेंट पाई जा रही है और ऑनलाइन जो है कि वो जिसको अब माना जा रहा है उसमें लग नहीं रही है। इसलिए बहुत सारा दिक्कत जो है वो मनरेगा मजदूरों को हो रही है क्योंकि बोल रहे हैं कि भाई अगर हाजिरी नहीं लगती है तो मजदूरों को कार्य स्थल से हटा दिया जाए लेकिन जब जो है 11-12 बजे तक जो लेबर वहाँ पे 8:30-9 बजे आ गई है और उसको 11-12 बजे तक वो काम कर रही है तो उसको आधे दिन से कैसे फिर वापस जो है कि वो हटा दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है कि इसके अंदर आ गई है। तो ये हमारी ये मांग है कि इस ऑनलाइन हाजिरी को जो है कि वो जो फैसला है इसको वापस रिवॉक किया जाए और जिस प्रकार से पहले से हाजिरियाँ लगती है जो प्रिंट मस्ट्रोल के अंदर उसी के अंदर हाजिरियाँ लगाई जाए। दूसरा जो है कि वो 20 कामों की जो शर्त जो थोपी गई है इस प्रकार से अगर 20 काम एक साल के अंदर करवाएंगे सरकार जो है वो साल साल दो दो साल जो है कि एक काम का मटेरियल नहीं दे पा रही है, एक रास्ते का, पुली का, दूसरे और कामों के टैंकों के मटेरियल नहीं दे पा रही है। जो है कि वो जो दहाड़ी है वो बहुत ही कम है, उसको बढ़ा के जो है कि 700 किया जाए और मनरेगा जो जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र से में ये वादा किया था कि हम जो है कि 350 रुपये दहाड़ी देंगे तो हम ये उम्मीद करते हैं और ये मांग करते हैं राज्य सरकार से भी कि बजट सत्र में जो है कि इसको जो है कि उसकी 350 रुपये दहाड़ी देने की घोषणा जो है कि वो सुखू सरकार करे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंदर नगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट।